तो दोस्तों आईपीएल 2025 के ऑप्शन से लेकर हमें हर दिन कई सारे बड़े बड़े अपडेट मिलते रहते हैं। तो ऐसे में आईपीएल 2025 के सीजन में क्या मिनी ऑप्शन हो गया, क्या मेगा ऑप्शन, आईपीएल 2025 के ऑप्शन से ठीक पहले एक टीम कितने प्लेयर को रिटेन कर सकती है, आईपीएल 2025 के ऑप्शन के लिए सभी 10 टीमों के पास क्या पर्स बैलेंस रहने वाला है, आईपीएल 2025 का ऑप्शन किस तारीख को होने वाला है, इस वीडियो में हम आपको ये सभी जानकारी बताने वाले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बन रहे। तो आप भी आईपीएल के एक बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप आईपीएल से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो में बढ़ते आगे, आईपीएल 2025 के ऑप्शन से लेकर हमें बीसीसीआई ने एक बहुत ही बड़ी मीटिंग ली थी, जहाँ इस मीटिंग में आईपीएल के सभी ओनर के बीच हमें आईपीएल का ये मीटिंग हुआ था। ये मीटिंग पूरी तरह से समाप्ति के बाद बीसीसीआई ने कई सारे बड़े बड़े पैसे ले चुके। तो ऐसे में आईपीएल 2025 के सीजन में क्या मिनी ऑप्शन हो गया, मेगा ऑप्शन, तो ऐसे में बीसीसीआई ने ये पूरी तरह से कंफर्म कर दिया कि आईपीएल 2025 के सीजन में हमें मेगा ऑप्शन होने वाला है। मेगा ऑप्शन हमें कुल 2 दिन तक चलने वाले। तो ऐसे में आईपीएल 2025 के मेगा ऑप्शन से ठीक पहले एक टीम कितने प्लेयर को रिटेन कर सकती है, तो ऐसे में बीसीसीआई ने ये भी पूरी तरह से कन्फर्म कर दिया कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑप्शन से ठीक पहले एक टीम मैक्सिमम 6 खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है, या ऑप्शन से ठीक पहले 5 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं, पर एक उन्हें आरटीएम कार्ड देखने को मिलने वाला है। ऐसे मिलाकर एक टीम मैक्सिमम 6 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं। तो ऐसे में आईपीएल 2025 के सीजन के लिए सभी 10 टीमों के पर्स बैलेंस के बारे में बात करें तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑप्शन के लिए सभी 10 टीमों के पास समय 140 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के बीच में आईपीएल 2025 के सीजन में सभी 10 टीमों का पर्स बैलेंस रहने वाला है। तो ऐसे में आईपीएल 2025 का ये मेगा ऑप्शन कब होने वाला है, तो ऐसे में बीसीसीआई ने यह भी पूरी तरह से कंफर्म किया कि आईपीएल 2025 का ये मेगा ऑप्शन हमें दिसंबर के मंथ में होने वाला है, या दिसंबर के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में हमें आईपीएल 2025 का ये मेगा ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है आईपीएल 2025 के मेगा ऑप्शन में कौन सा खिलाड़ी देने वाला है, जो सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। या आपको ये वीडियो थोड़े भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।